हेलो दोस्तों, बंबू आर्ट में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं, परशुराम ने दिया कर्ण को श्राप। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जो कि क्षत्रिय न हो। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। उसे तीर के निशान आने पर लगने की आवाज सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कृपया कर लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।